प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास चैनल नेक्स्ट आई न्यूज भोजपुरिया का सबसे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ममता तिवारी आप सभी लोगों के लिए आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े सुपरस्टार होते हैं उनसे जुड़ी कुछ अलग अलग जानकारियाँ, अलग अलग खबरें लेकर आती हैं। लेकिन आज हमने उन्हें भेज दिया है रेस्ट पर, और आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ आपका खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में आपके इंडस्ट्री के स्टार से जुड़ी कुछ खास जानकारियां लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम के। जब शुरुआत हो ही चुकी है तो सबसे पहले बात करें भोजपुरी के सबसे बड़े हीरो के तौर पर अपनी पहचान बना चुके एक्टर के साथ साथ उससे भी खास सिंगर माने जाने वाले मनोज तिवारी। जी हाँ, हाल ही में वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी तरफ से भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर वो क्या सोचते हैं और उस तरीके से किस तरीके की लोगों की सोच पहले के हिसाब से अभी बदलती गई है, इसके बारे में मनोज तिवारी ने काफ़ी विस्तार से बताया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार मनोज तिवारी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी ही भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इतने समय के बाद क्या कुछ खास बातें कहीं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बेहद फेमस हीरो मनोज तिवारी, जो कि सिंगर के तौर पर करियर की शुरुआत करने के बाद सिनेमा जगत के साथ साथ राजनीति में भी काफी सक्रिय हो चुके हैं, और आज एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मनोज तिवारी ने क्या कहा भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ तमाम बड़े कलाकारों के लिए, आइए जरा सुनते हैं। और ये जो अगला 6-7 महीना होगा मुंबई में रह रहे कलाकारों के लिए बहुत खास होगा, इस बात की मैं आपको एक मजबूत आश्वासन दे सकता। तो देखा आपने दोस्तों कि जहां हमारे मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी उनकी सोच कहीं ना कहीं देखी जाए तो वही है जहां पर उन्होंने अपने करियर की भोजपुरी इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, और ऐसा होना भी चाहिए। शायद इसीलिए आज इतने समय के बाद भी मनोज तिवारी राजनीति में इतने ज़्यादा सक्रिय होने के बावजूद भी वो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं भूल पाए हैं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब बात कर रहे हैं बड़े सितारों की, तो हमारी लेडी सिंगर यानी कि कल्पना पटवारी को कैसे भूल सकते हैं। काफ़ी लंबे अरसे के बाद कल्पना पटवारी एक बार फिर से मीडिया के सामने आई और अपने ही भाषा में, हालांकि वो एक बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत बड़ी एक चेहरे के तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा वो और भी इंडस्ट्री में जानी जाती हैं, लेकिन इन सब के अलावा जो कल्पना है आज भी जब वो कोई बातें करती हैं तो उनके चेहरे पर वो मासूमियत बहुत ज़्यादा झलकती है, और यही मासूमियत उन्हें बेहद खास बनाती है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कल्पना पटवारी ने अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ खास कहा, क्या बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। देखिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जब एक महिला की आवाज में लोकगीत बजता है तो दर्शक उस पर झूमने पर मजबूर हो जाते हैं, और वो नाम है कल्पना पटवारी, जो कि आज कला संस्कृति के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल की बात कही है उन्होंने। तो जरा सुनिए उन्हीं की दिल की बात, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको रिकॉग्निशन देते हैं, और हम भी भारत को ही रिप्रेजेंट करने गए, या बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग जहाँ तक सरकारी रिकॉग्निशन है कलाकारों को, जब तक शायद मैं 60 इयर्स के नहीं हो जाऊँ या व्हील चेयर में नहीं जाऊँ, मुझे लगता है ऐसा, आई एम सॉरी, पर मैंने ऐसा महसूस किया कि स्पोर्ट्स पर्सन को अचानक रिकॉग्निशन दिया जाता है कम उम्र होते हुए भी, कलाकारों को बहुत समय लगता है, और खासकर लुई बैंस जैज संगीतज्ञ है, बहुत सीनियर, जो मिले से मिला तुम्हारा से, उनका बहुत सब लोग जानते हैं उनको। मैंने इन लोगों को देख के, हम सभी लोग एक्चुअली मुंबई में आई थिंक बहुत क्रिएटिविटी है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से कल्पना पटवारी अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर आज भी जब कुछ बोलती हैं या उसके भले के लिए कुछ बात कहती हैं तो वो भावुक हो जाती हैं। और ऐसे भाई देखा जाए तो ये कलाकार के साथ साथ ये भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने परिवार के तौर पर भी मानती है। खैर दोस्तों, इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो आदत है इनको भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, इनके अंदर जो बातें हैं वो हर कोई बखूबी जानता है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी खबर थोड़ी आई है जो कि बॉलीवुड के साथ जुड़ी हुई है।
जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जहाँ भोजपुरी के कई दिग्गज सितारों ने वहाँ शिरकत किया था, जिसमें मनोज तिवारी, कल्पना पटवारी, संगीता तिवारी और भी कई लोग शामिल थे। तो इसके अलावा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा बॉलीवुड के कई हस्ती हस्ती होते हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। जी हाँ, तो आपको दिखाते हैं कि आखिरकार राखी सावंत, जी हाँ, बॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली हीरोइन राखी सावंत, भोजपुरी में क्या उन्होंने बयान दिया, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर क्या बातें कहीं और उनकी क्या सोच है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर। और पहली बार जब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरीके का, अगर जो वो आई हैं किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या बातें दिल में रख कर लेकर आई थी, ये सारी बातें आपको बताते हैं राखी सावंत की जुबानी। देखिए हमारी राखी सावंत, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादातर विवादों से घिरी रहती हैं, लेकिन आज उन्होंने एक कलाकार के खातिर क्या बातें कही, ये आप लोग जरा सुनिए कि आखिरकार उनके दिल में एक कलाकार के तौर पर कौन सी नई बातें बसती हैं और क्या सोचती हैं वो इंडस्ट्री को लेकर। हमारे मित्र हैं, सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है कि सरकार कलाकारों को इतनी इज्जत देती है। पहली बार दिल में मतलब एक रोना आ रहा है, रियली कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी जो बीजेपी सरकार ने कलाकारों को इतनी इज्जत दी, रियली बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बड़े बड़े नेता जो है कलाकारों के घर पे जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। मेरा एक सवाल है सर, अच्छा पूरी फिल्म बनती है संगीत से, म्यूजिक से, हीरो से, हीरोइन से, विलन से, तो सर पूरी फिल्म बनती है तो उसमें एक बहुत अहम किरदार आइटम सॉन्ग का भी होता है। पता नहीं ये आइटम सॉन्ग आप लोगों ने नाम दिया, हमने इसे स्पेशल अपीयरेंस कहते हैं। तो बड़े बड़े कलाकारों को अवार्ड दिया जाता है, यू नो गजेंद्र जी, मनोज जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं यहाँ पर, आप सब बड़ा बड़े कलाकार हैं, बेस्ट सिंगर हो। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से भाई बॉलीवुड के हस्ती भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तभी तो देखिए भाई उनके इतने समय पर राखी सावंत ने जो भी बातें कहीं वो भोजपुरी इंडस्ट्री के दिल को छू जाने की बात कही। और वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो हर कोई इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के साथ साथ इसमें कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी हीरो यानी खेसारी लाल यादव के साथ जुड़ा हुआ है। आज खेसारी लाल यादव के लिए उनका दिन बेहद खास है, बेहद स्पेशल है। अब आप सोच रहे होंगे कहीं उनकी कोई फिल्म नहीं, या कहीं तो उनकी फिल्म का कोई गाना तो रिलीज नहीं हुआ है, या कोई उनकी फिल्म ने फिर से कोई धमाल, या उनके गाने ने कोई धमाल तो नहीं मचाया। जी नहीं, इस बार उनकी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी खबर नहीं, बल्कि इस बार उनके परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, आज हमारे खेसारी लाल यादव यानी कि हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी, उनकी शादी की सालगिरह है, जहाँ पर ये दोनों एक साथ इस आज ही के दिन शादी के बंधन में बंधे थे। तो आया ना आज खेसारी लाल यादव का जो दिन है कितना खास है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार खेसारी लाल यादव अपने इस स्पेशल दिन को किस तरीके से स्पेशल मनाते हैं या नहीं, और साथ ही में आपको खेसारी लाल यादव की पत्नी से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोजपुरी के देसी हीरो खेसारी लाल यादव, जो कि आज के समय में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, और आज एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के लिए आज का दिन काफी ज्यादा खास है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज एक बार फिर से खेसारी लाल यादव का कोई गाना या फिर कोई फिल्म ने व्यूज के मामले में नया रिकॉर्ड तोड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, आज का दिन खेसारी लाल यादव के लिए खास साथ इसलिए है कि आज उनकी फिल्म नहीं बल्कि उनकी पत्नी के साथ की खबर है। जी हाँ, आज के दिन खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा यादव के साथ शादी के बंधन में बंधे थे, यानी कि आज खेसारी लाल यादव की शादी की सालगिरह है। लेकिन इस समय पर खेसारी लाल यादव अपनी फिल्म बलम जी आई लव यू की शूटिंग में व्यस्त हैं, और इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। वैसे आज खेसारी जी के लिए एक खास दिन के मौके पर उन्हें नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत उनकी शादी की सालगिरह की बधाई। तो देखा आप
आपने दोस्तों। तो ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की वो खबरें जो कि आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टारों के तौर पर जानी जाती है, और वो इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर अपनी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ खास कर रहे हैं, ये सारी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह इस बार भी कहना चाहूंगी, हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया को देखिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक मिल सके और कोई भी जानकारी, कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम पे यहीं विराम लगाते हुए, कल से ये वादा करते हुए कि आपके सामने ममता तिवारी लेकर हाजिर होंगी आपका खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।